वेल हेलो दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने सर्वे किया कि स्टूडेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन पर कितना समय बिताते हैं। जब स्टूडेंट से पूछा गया कि जब वह घर से बाहर निकलते हैं तो अपने पर्स को या फिर अपने मोबाइल को भूलना पसंद करेंगे, अराउंड 75% स्टूडेंट्स ने कहा कि अपने मोबाइल फ़ोन की जगह अपने पर्स को भूलना पसंद करेंगे। एक एवरेज यूजर अपने फ़ोन को दिन भर लगभग 110 बार चेक करते हैं, और अगर बात करें समय की तो एक एवरेज इंसान एक दिन में लगभग 5 घंटे अपने फ़ोन पर बिताते हैं। उन्हें लगता है कि वे फ़ोन को चलाकर रिलैक्स हो रहे हैं, पर सच तो यह है कि वे फ़ोन को चलाकर और ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। अगर आप रोज़ 5 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन को चलाने में बिताते हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी में 10 साल सिर्फ मोबाइल चलाने में ही बिता देंगे। अगर आप 5 घंटे की जगह 2 घंटे अपने मोबाइल पर टाइम स्पेंड करते हैं तो इससे लगभग 6 साल बच जाएंगे। अगर इसे घंटों में देखें तो लगभग 6,570 घंटे। क्या आपको नहीं लगता है कि हम फ़ोन के गुलाम हो चुके हैं? आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस हैं, क्या आप उसे चलाते हैं या फिर वह आपको चलाते हैं? शायद वह आपको चलाते हैं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आप उसे बिना कुछ सोचे समझे ही चेक करने लग जाते हैं, चाहे वह आपके काम का हो या ना हो। इसका मतलब है कि वह हमें चला रहे हैं। सच कहूँ तो वह हमें गुलाम बनाते जा रहे हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि पिछले 5 सालों में सोशल मीडिया का यूज पिछले 10 साल के मुकाबले अधिक हुआ है, जो बताता है कि लोग किस तरह से मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं। अगर आप भी सोशल मीडिया का अधिक यूज करते हैं तो आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है, जिसके बाद आपका अधिकतर समय फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में ही चला जाता है, जिससे आपका एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इस समय जिस तरह से लोग सोशल मीडिया का यूज करने में इतना डूब चुके हैं कि वो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, इवन फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। प्रॉब्लम फ़ोन में नहीं है, बल्कि उसमें जो एप्लीकेशंस हैं उसमें प्रॉब्लम है। हमें फ़ोन छोड़ने की ज़रूरत नहीं, उन एप्लीकेशंस को बंद करने की ज़रूरत है जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम को बर्बाद करती है। मैं ये नहीं जानता कि आपके फ़ोन में कितने सारे और कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। आपको खुद देखना है कि आपके फ़ोन में वो कौन से एप्लीकेशंस हैं जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद करता है। आप उन एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल से तुरंत अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि जब तक इस तरह के एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में रहेंगे तब तक वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बर्बाद करते रहेंगे। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपके फ़ोन में बचे ऐप्स की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना है, जिससे आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आना बंद हो जाए और आप अपना वैल्यूबल टाइम दूसरे चीज़ों में लगा सके। तीसरी चीज़, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ ऐप्स को यूज कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लेकिन पहले की तरह नहीं। अब आपको अपने सोशल मीडिया ऐप्स को चलाने के लिए टाइम टेबल सेट करना होगा, क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार एक एवरेज इंसान 10 मिनट में 4 बार अपने स्मार्टफोन को ऑन करता है। इसलिए आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले और सुबह को उठने के बाद सोशल मीडिया नहीं चलानी है। चौथी और लास्ट पॉइंट, आप अपने फ़ोन को हमेशा चार्ज करते ना रहें, क्योंकि जब भी आपका फ़ोन चार्ज रहता है तब आपका मन नहीं मानता और आप ये कहकर फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं कि थोड़ी देर चला लेता हूँ, और यही थोड़ी सी चक्कर में आपका काफ़ी समय निकल जाता है। इसलिए फ़ोन को सुबह में एक बार चार्ज कर ले और फिर अगले दिन ही चार्ज करें। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की नॉलेजफुल वीडियोस मिलते रहें।